विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रही है और इसी के चलते प्रदेश की 230 विधानसभाओं के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के 230 विधायकों को राजधानी भोपाल के एक निजी होटल में आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके साथ उन सभी 230 विधायकों को प्रदेश की अलग अलग 230 विधानसभा की जिम्मेदारी दी जा रही है। ये सभी विधायक जिनको जिस विधानसभा क्षेत्र की जवाबदारी दी जा रही है वहां जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, आम जनता की राय लेंगे और जो सर्वे करेंगे उसकी रिपोर्ट आला कमान को सौंपेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में आए विधायकों का कहना है कि निश्चित तौर पर पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर प्रदेश में मोदी जी की लहर है और मध्य प्रदेश में भी अब फिर से एक बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। हमें जिस क्षेत्र की जवाबदारी दी गई है उसी संबंध में आज हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव कर रहे हैं एवं प्रदेश की ओर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी मुख्य रूप से मौजूद हैं। चंद रंजन बुंदेलखंड में जनपद जालौन की विधानसभा क्षेत्र माधोगढ़ से विधायक हूं। दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं और मैं प्रवासी विधायक के नाते जनपद कटनी की बड़वारा विधानसभा क्षेत्र में जो है जी जिम्मेदारी को मिली है और क्या है हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई है यहां से तो राजगढ़ जिले में खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ 27 तारीख तक फिलहाल संगठन ने भी जिम्मेदारी दी है। क्या विजन लेके आप अब विजन तो चूंकि जो हमारा मिशन है तो विजन तो निश्चित तौर से होना चाहिए तो 230 की 200 सीटें माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए ये हम लोगों का विजन है, यही हमारा मिशन है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो हमारा चूँकि बड़ा राज्य है और वहाँ पर हम लोग 3/4 से हम लोग वहाँ पर बहुमत में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश का जो आगामी चुनाव है वहाँ पर हमको 230 सीटों पर सफलता मिलेगी, विपक्ष बिल्कुल नदारद होगा। और मोदी साहब का जो काम है पिछले 9 साल में जो कुछ काम किया है लोगों के लिए, देश के लिए, वो काम कार्यकर्ता ने किस तरह से लोगों के पास पहुंचाया है और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में जो काम करने वाले कार्यकर्ता है उनको उत्साहित करने के लिए हम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। किस जगह की जिम्मेदारी आपको? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी। क्या विजन है उसका, उसके छिंदवाड़ा जितना है अगर किसी का सीट है।